ईशुए वायदे वाला मसीहा। जखनी परमेश्वरे संसार बना तो सब किछ बढ़िया थियो, कोई पाप न थिया। आदम जा हवा यो कैस्यू बड़ा प्रेम करी थिये, जैसे के परमेश्वर स्यू प्रेम करी थिये। कोई बीमारी जा मौत न थे। परमेश्वर इतिये संसारा बनाना चाहता थिया। शैताने कीड़े रे जरिए बगीचे मज हवाई स्यू गल के कई नी किसे तेसने धोखा देना चाहता थिया। तिखनी हवाई जा आदमे परमेश्वर रे खिलाफ पाप किया, कई नी किते ने पाप कई थिया। इठनी रे तेनी धरती पन रेणा रे सारे जने मारे गए, कई नी कि आदम जा हवाई पाप के ओर थिया। इठनी रे तेनी किछ होरोबे बुरू भू से कि परमेश्वर रे दुश्मन बने गए। जेठनी री बजाय से ते तिखनी कि ना हरेक मेणु पाप किया, हरेक मेणु जन्म कि ना है परमेश्वर रे दुश्मना। परमेश्वरा जा मेणुआ करे बिच कोई शांति न थे, पण परमेश्वर शांति स्थापित काना चाहता थिया। परमेश्वर वायदा किया कि हवाईरा वंश शैतान रो मुंड पैड़ा हेट प्रिंचैला। तेनी एबे बोलो कि शैतान तेसरे पैड़ा ने डंस दैला, पण परमेश्वरा से क्या फिर जीता कर देना। एणा किना बाद मसीह शैतान री शक्ति हमेशा के लिए खत्म कर देनी। के या साला बाद परमेश्वर लुहाड़ो के सेकिया मसीह ईशुआ। परमेश्वर तेनी बाड़े ला अपना परिवार बचा, जस से क्या अणनार थिया। नुहा से ते अकिश्ती बनाना ने बोलो कि तेस इनी हिसाब है परमेश्वर रे मिणु बचाने, जै तेस पने विश्वास करी थिये। इनी हिसाब है से के सारे परमेश्वर रे जरिए मारे देने रे काबिल थिये। कई नी कि तेने पाप क्यों थिया, पण परमेश्वर तेना सबने बचाने रे तेनी ईशु भेजा, जै तेसपन विश्वास काते। के या साला तेनी याजक परमेश्वर तेनी बलिदान चाड़ते रिये। ऐठनी रे तेनी करी थिये कि मिणुए पाप के ओर थिया, जा से किए परमेश्वरा के ना सजाए रे काबिल थिये। पण से बलिदान तेनेरे पाप माफ न करी सकी थिया। ईशु सबने बड़ा महायाजक का, तेनी से क्यों जै को याजक न करी सकी थिया। तेनिये सिर्फ अक इतिया बलिदान देने रे तेनी अपाना दे दी थिया, जै हरेक मेनुरे पापा माफ करी सकी थिया। तेनी मन लियो कि परमेश्वर सारा करे पापा करे तेनी सिर्फ तेसनिये सजा दिया। इन्हीं कारण ईशु सिद्ध महायाजक बने गया। परमेश्वर अब्रामा स्यों बोलो आऊं तिंडे जरिए संसार रे सारा कुलन आशीष दैला। ईशु मसीह ऐसे अब्रामेरा वंशज थिया। परमेश्वर अब्रामेरे जरिए सारा कुलन आशीष देते, कई नी कि जय ईशु मसीह पन विश्वास काते परमेश्वर तेना सबने पापा के ना बचाता। जेखनी एकिये मेणु ईशु मसीह पन विश्वास काते तब परमेश्वर तेना अब्रामेरे वंशज मनता। परमेश्वर अब्रामा स्यो बोलो कि तो अपने साके पुत्रा मिंडे तेनी बलिदान कर दे, पण फेरे परमेश्वर इसाकेरी जगाए बलिकान रे तेनी मेमना दे दिता। असे सारे अपने पापा कह रे तेनी मारे छाड़ने रे काबिल थिये, पण परमेश्वर असड़ी जगाए मरने रे तेनी ईशु बलिदान रे रूपा मज दे दिता। इनी बजाय ला असे ईशु नी परमेश्वर रा मेमना बोलते। जेखनी परमेश्वर मिस्र देशा पने मुसीबती भेजी ता तेनी हर इसराइली परिवार ने बोलो कि से एक ही मेमने रे बलि चाढ़िया, तेस मेमने मज कोई दोष न भूना चाहिए था। फिर अपने द्वारा करे चौकटा पने जा आढ़ा बाढ़ा तेसरा खून लाना थिया। जेखनी परमेश्वर से क्या खून लादा तसे तेनेरे घरा के ना आगे चले गया, जा तेनेरा जैठा पुत्र न मारा। जेखनी एही भू तब परमेश्वर ऐसने फसहरा त्योहार बोलो। ईशु फसहरे त्योहार रे एक ही मैम ने साया, तेनी कदी भी पाप न किया। इठनी रे तेनी तेसमज किछ भी गलत न थियो। से क्या फसहरे त्योहारा मज मुआ जेखनी
किणकिया यीशु मसीह पन विश्वास काता तेखनी यीशु मसीह रा खून तस्मेणुरे पापा कैरे कीमत चुकाता। ऐती हुआ कि परमेश्वर तस्मेणु के ना आगे चले गया कई निके सतैस ने सजा न देता। परमेश्वर इसराइली मेणुअस्यों अक वायदा किया कई निके सकिए इतिय मेणु थिये जय परमेश्वर अपने भोणर तेनी चुनौरे थिये। पण परमेश्वर इतिया वायदा क्योरा जय के सबने कहरे तेनिया अगर कुछ भी जातिरा को भी मेणु एस नवे वायदे मन लेता त सकिया परमेश्वर रे मेणुआ मज शामिल भोगा था। सकिया ऐठनी रे तेनी काता कई निके सकिया यीशु पने विश्वास काता। मूसा अक इतिया भविष्य वक्ता थिया जेनी परमेश्वर रे बचनेरा बड़ी सामर्थ्य स्यों प्रचार के थिया। पण यीशु सबने भविष्य वक्ता मज सबने बड़ा आ सक्या परमेश्वरा इठनी रे तेनी जै किछ बे तेनी क्यों जा बोलो से परमेश्वर रे कम जा वचन थिये। इठनी रे तेनी पवित्र शास्त्र यीशु मसीहनी परमेश्वरा वचन बोलता। परमेश्वर राज दाऊदा स्यों वायदा कही थिया कि राज रे रूपा मज तेसरा अक वंश परमेश्वर रे मिणुअपन हमेशा राज करेला। यीशु परमेश्वर रा पुत्र जा मसीहा इठनी रे तेनी से क्या राज दाऊदरा वंश जा जे हमेशा तेनी राज कर सकता। दाऊद ता इसराइल रा राजा थिया पण यीशु सारे संसार रा राजा आ। तेस फिर एणु जा हमेशा तेनी सच्चाई जा शांति स्यों अपने राज्यपने शासन काना। उत्पत्ति अध्याय अक त्रा छी चौदह बाई निर्गमन बारह बी दुआ शामवेल सत इब्रानियो त्रा अक चौर चौदह पंज दश सत अक अठ तेरह नौ ग्यारह दश अठारह प्रकाशित वाक्य इकिया के ना अक बाइबलरी कहानी।